हेलो स्टूडेंट, आज हम इंसेक्ट फिजियोलॉजी में पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ग्रासहॉपर, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, यानी मॉडल के तौर पर हम ग्रासहॉपर को ही स्टडी करेंगे। इंसेक्ट किस तरह रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उनके लिए खास सिस्टम है, आज हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट ले लेते हैं कि जी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट या ग्रासहॉपर जो है वो किस तरह होता है। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड डज नॉट नीड टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सही है कि ये रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है? रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। ब्लड डज नॉट नीड टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सही है। एयर इज कैरीड डायरेक्ट टू द सेल बाई द ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स। ट्रेकियल ट्यूब्स यानी रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मेजर स्ट्रक्चर क्या है? वो ट्रेकियल ट्यूब्स है इंसेक्ट में। ईयर एंटर्स द एंड लीव्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग कार्ड द स्पाइरेकल। सही है। यानी जो कि ग्रासहॉपर में जो मेन स्ट्रक्चर है उसके लिए रेस्पिरेशन के लिए वो क्या है? वो ग्रासहॉपर है। ठीक है, तो ग्रासहॉपर में तो 10 स्पाइरेकल दे, बाकी 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल हो सकते हैं, लेकिन बाकी इंसेक्ट में ये वेरी कर सकता है। स्पाइरेकल जो है कहाँ से कनेक्टेड होते हैं? स्पाइरेकल जो है वो ट्रेकियल ट्यूब से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। द ट्रेकियल ट्यूब्स ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब। दिस ट्यूब्स हैव फ्लूइड फिल्ड एंड्स दैट कनेक्ट टू द सेल। ठीक है, ये जो इसका एंड होते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स का, ये स्मॉलर ट्यूब्स में ब्रांच आउट होते हैं पहले, और वो फ्लूइड जो इनके टॉप है वो असल में क्या, वो फ्लूइड फिल होते हैं जो कि सेल से जो है वो कनेक्ट होते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है इंसेक्ट का, इसको आप थोड़ा सा देख ले, ये इतना मुश्किल नहीं है। बस ये दो स्लाइड है पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वही स्लाइड है। दिस इज वेयर द एक्चुअल रेस्पिरेशन टेक प्लेस। ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द ट्यूब्स इनटू द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल इनटू द ट्यूब्स, यानी आपस की एक्सचेंज है। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस ट्यूब्स में आ जाते हैं, और जो स्पाइरेकल से बाहर जो है वो निकल जाते हैं। ऑक्सीजन इज पम्प थ्रू द ट्रेकियल ट्यूब बाई मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्मॉल एयर सेल्स कंट्रीब्यूट टू द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द ट्यूब। सही है, ये डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ये ट्रेकिया, ये हार्ट, एओर्टा वगैरह शक्ल दी हुई है। ये बी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट की डायग्राम है। बहरहाल ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सिंपल है, आपको इसको इतना ही याद कर ले कि इसमें ट्रेकियल ट्यूब्स हैं, और ट्रेकियल ट्यूब्स जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? वो बाहर की तरफ स्पाइरेकल के जरिए बाहर की तरफ कनेक्टेड है, और इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे ये सेल्स अवेलेबल है। सही है, ये कहते हैं कि जी ये जो ट्रेकियल ट्यूब्स है ये ब्रांचिंग शक्ल में है। सही है, ब्रांचिंग शक्ल में है, जो कि उसका जो एंड्स होते हैं उस ब्रांचिंग जो ब्रांच जब ब्रांचिंग करते हैं, मसलन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर ये ना हो कि आप लोग गिला करें कि जी ये देखो ये इस तरह, अगर ये ट्रेकियल ट्यूब है तो ये इस तरह इनकी ब्रांचेस हो जाती है। सही है, ये तकसीम हो जाते हैं, ब्रांचेस इनकी बन जाती है। तो ब्रांचेस का ये जो टॉप है, ये इस टॉप के बारे में कर रहे हैं कि ये फ्लूइड से, ये फ्लूइड फिल होते हैं, इसमें फ्लूइड होते हैं। सही है, तो इसमें जब फ्लूइड फिल होते हैं तो क्या होता है कि जी इससे जब रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो वो बाहर चला जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाते हैं। सही है, और किसके जरिए? यही जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? ये स्पाइरेकल के साथ जो है वो कनेक्टेड है।